हाँ जी बालको, सुप्रभात, नमस्कार, राम राम प्रणाम, कैसे हाल चाल? कल आप लोगों का बिजनेस स्टडीज का एग्जाम है और अमूमन ज्यादातर लोगों की तैयारी हो चुकी होगी। देखो, तैयारी खत्म होने से मेरा तात्पर्य यह है कि आप लोगों ने एक बार, दो बार, तीन बार अपने कोर्स को कवर कर लिया होगा, मेजरली काफी सारी केस स्टडीज को प्रैक्टिस कर लिया होगा, फीचर्स, इंपॉर्टेंस, इनकी राइटिंग के बारे में काफी कुछ सोच लिया होगा। तो भैया, अब तुम्हारी तैयारी को खत्म करने का मौका आ चुका है। मैं लाया हूँ आप सभी के लिए लाइव टेस्ट, ज्यादा लंबी नहीं खींचेंगे, डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ। मैं लाइव टेस्ट लेकर आया हूँ आप सभी के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, पीवाईक्यूज और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को लेकर हम लोगों ने एक टेस्ट जनरेट किया है, ठीक है? एमसीक्यू टेस्ट हो रहा होगा ये, उसके बाद आंसर राइटिंग के ऊपर भी आप लोगों की बात कर लेंगे और आपको आंसर राइटिंग भी करा देंगे, ठीक है? एक चीज आपको ध्यान रखनी है बेटा, ये टेस्ट लाइव है तो लाइव ही रहने देना, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में ये टेस्ट नहीं मिल रहा होगा। तो जिन लोगों को कंफ्यूजन है सर कैसे का क्यों, तो वो आज ये पूरा देखना। ये लाइव टेस्ट अभी एग्जैक्ट 12 बजे शुरू होगा, तो आप लोग ये वीडियो 12 बजे से पहले देख रहे होंगे, मुझे उसकी उम्मीद है। 12 से 12:45 45 मिनट्स का ये टेस्ट होगा, तो 20 एमसीक्यूज के अंदर है, पर आप चाहें तो उसको 10 मिनट में खत्म करके बैठ सकते हैं। 45 मिनट खत्म होने के बाद आपको रिजल्ट मिलेगा और ये पता लगेगा कि जितने भी बच्चों ने वो टेस्ट अटेंड करा है उनमें से आपकी रैंकिंग कौन सी है, रैंकिंग कौन से नंबर की है, बाकी बच्चों के कितने सवाल आए थे, एवरेज स्कोर कितना है और आपने कितना स्कोर किया है, या आपकी परसेंटेज कितने प्रतिशत बच्चों से ज्यादा है, ये पूरा डिटेल ओवरव्यू आप लोगों को मिल रहा होगा। तो कल एग्जाम से पहले आप लोगों को एक बार ये भी पता लग जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है और साथ साथ में आप लोग क्लियर भी हो जाओगे कि हाँ सर, हम अब रेडी हैं या थोड़ी सी मेहनत और करनी बाकी है, ठीक है? तो देखो भाई, टेस्ट कैसे देना है, क्यों देना है, पूरा मैं डिटेल बता रहा हूं। 2 मिनट लगेंगे, ध्यान से एक एक चीज को सुन लेना। ये एमसीक्यू टेस्ट हो रहा होगा, हम 2 फेज के अंदर टेस्ट लेंगे बेटा। एक तो एमसीक्यू टेस्ट होगा जिसमें मेरी अवेलेबिलिटी की जरूरत नहीं है और ना ही समय लगाने की जरूरत है। 20 एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के, लाइव होंगे एग्जैक्टली 12 बजे, ठीक है? इसके बाद 1:30 बजे एक और ले रहा हूंगा मैं, पर उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है एमसीक्यू नहीं करेंगे, इसमें भी अमूमन 20 क्वेश्चन ही ले रहा हूँ मैं, पर इसके अंदर हम लोग केस स्टडी करेंगे और केस स्टडी में क्योंकि आपको एक टीचर की जरूरत पड़ती है तो ये वाला जो लाइव है ये टीचर यानी कि मेरे साथ आपको देना है, ठीक है? अब ये दोनों कहाँ मिलेंगे, लाइव ही मिलेंगे, उसके बाद कहीं आने की जरूरत नहीं है। मैं पहले ही बोल रहा हूँ 12 से 12:45 दैट्स ऑल, इसके बाद कुछ नहीं होगा, एग्जैक्टली 12 बजे। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दूंगा, सुन लो, फिर कहते हो सर ओपन नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, उस लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, मैं ओपन करके अभी आपको दिखाता हूँ। जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक पेज खुलेगा, वहां एनरोल का ऑप्शन होगा, आप एनरोल कर लीजिए, शेड्यूल में जाइए एंड 12 PM आज की तारीख 24 तारीख 12 PM आप लोगों के सामने बिजनेस का एग्जाम होगा, वो आ जाएगा स्टार्ट एट 12, ठीक है? इस तरीके से उसके सामने लिखा होगा, तो इस तरीके से आपको पुट ऑन करना है और यहाँ पर 12 बजे एग्जैक्टली पेपर शुरू हो जाएगा। मैं पहले बता रहा हूँ टाइम पे शुरू होगा, ठीक है? अब सर, जिन लोगों को नहीं मिलता है क्या मिलता है सर, इसके बाद कुछ और बीच में मांग लेता है, तो देखो इसके बीच में अगर आपसे कोई कोड की रिक्वायरमेंट मांगता है, कोड क्यों मांगता है सर पहले वो समझो, कोड मांगने का एक पर्पस ये है कि सर आप कौन से टीचर का टेस्ट देना चाहते हो, तो भैया ऑब्वियसली बात है BST है या कॉमर्स है तो आप मेरा ही टेस्ट दोगे, तो इसके लिए आपको जो कोड लगाना है वो है गौरव जी। सर बेशर्ते अगर हमने कोई कोड नहीं लगाया है या हमें कोई कोड नहीं मिला तो वो बाय डिफॉल्ट गौरव जी ही सिलेक्ट होगा आप लोगों के, क्योंकि एग्जाम मैंने ही डिजाइन किया है, ठीक है? पूरा का पूरा पेपर मेरे थ्रू डिजाइन किया गया है, हाँ मैंने ही डिजाइन किया, टेंशन मत पालो। तो ये कोड अगर आपको कोई मांगता है तो आपको लगाना, मैं इसका एक लाइव डेमो आप लोगों को दे देता हूँ। देखो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उससे कुछ इस प्रकार का पेज आपको खुल रहा होगा। जो लोग फोन में है उनको हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, ठीक है? तो फोन वाले दिक्कत को, प्रॉब्लम को खत्म करो। कैसे करो, आप एक काम करो, एक ऐप का लिंक दे दूंगा मैं, लर्निंग ऐप, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आप लोग डाउनलोड कर लो, ठीक है? अगर डाउनलोड कर रखा है और ये स्टेप समझ नहीं आ रहा तो अनइंस्टॉल करके वापस डाउनलोड कर लो, ठीक है? CBSE क्लास 12th ये अपना गोल सिलेक्ट कर लो, किसी का कुछ और सिलेक्टेड है तो चेंज करने का ऑप्शन आता है, नहीं मिल रहा तो दूसरे नंबर से डाउनलोड कर ले, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है? उसके बाद वापस से सेम लिंक पे आइए, लिंक ओपन करेंगे तो इन एप्लीकेशन आपको वो टेस्ट मिल जाएगा, यानी जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके पास नीचे ऑप्शन आता है क्रोम से खोलें, एप्लीकेशन से खोलें, तो वो 12 बजे एग्जैक्टली आप एप्लीकेशन से खोल सकते हैं, ठीक है? वापस अगर कोई कोड मांगता है तो आपको गौरव जी लगाना है। ये 12 बजे वाले लाइव टेस्ट की डिटेल दे रहा हूं बेटा, ठीक है ना? ये 4 स्टेप है। नाउ
जैसे ही आप इसमें एनरोल करोगे, मैंने लॉग इन कर रखा है तो मेरा डायरेक्ट एनरोल हो जाएगा। ये टेस्ट सीरीज विल बी एडेड टू प्लानर इन फ्यू मिनट्स, यानी कि आपको टेस्ट दिख जाएगा। यहाँ आएंगे 24 मार्च एग्जैक्टली 12 बजे आप लोगों का टेस्ट होगा, ज्वाइन एट 12 लिखा हुआ है यहाँ पर, तो 12 बजे क्लिक करते ही आपका टेस्ट शुरू हो जाएगा। इन टोटल 20 क्वेश्चन है, 20 मार्क्स के क्वेश्चन है, सब कुछ वैसे ही चलेगा जैसे आपके बोर्ड एग्जाम में चलता है। क्वेश्चन बहुत प्रिसाइज है, PYQs को इस्तेमाल किया गया है, एक्सपेक्टेड टॉपिक्स को इस्तेमाल किया गया है, तो उसको ध्यान रखना। बिल्कुल बारीकी से एक एक क्वेश्चन को पर्सनली मैंने पढ़ पढ़ के रीड कर करके उसके अंदर पुट ऑन किया है, तो आपको काफी ज्यादा मजे आ रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद सर जो केस स्टडी वाली क्लास है वो 1:30 पर है, ये रहा उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो कुछ इस तरीके से आपको दिख रही होगी। ठीक है, वहां नोटिफाई में जैसे ही आप करेंगे आप नोटिफाइड हो जाएंगे। नोटिफाई में पहले से करके रखना बेटा, क्योंकि क्या होता है कि जब बेसिकली क्लास शुरू होती है उस समय एकदम से भीड़ आता है ना, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके सर्वर में लैग आ जाता है, तो आप पहले से इसको नोटिफाई कर लो, 1:30 बजे यही क्लास मिल जाएगी, उसी एप्लीकेशन में क्लास मिल जाएगी। ऑल दोस्त सर डायरेक्टली नहीं खुल रही है तो वही आपको काम करना है, अकेडमी का ऐप खोलो, CBSE क्लास 12th खोलो, उसके बाद यहां पर आ जाइए। चाहे तो वहां पर गौरव जैन सर्च कर लोगे तो भी आ जाएगा। फॉर इंस्टेंस जैसे ही मान लीजिए कि मैं एक करके दिखा देता हूं आपको 1:30 बजे वाले सेशन का, 12 बजे का तो आप समझ गए हैं। ठीक है, फाउंडेशन के लिए भी हम लोग कुछ कर रहे हैं अभी। जैसे ही आपके सामने एक एप्लीकेशन खुला, आपने यहां क्लिक करा और लिखा कि सर मैं तो गौरव सर के लिए आया हूं सर, बाकी छोड़ो मेरे को भी, तो यहाँ आपने लिखा गौरव जैन, टाइप हो रहा ना भाई, नहीं होना लेना है, अब होगा GAURAV गौरव जैन, आजा भाई। हाँ ठीक है, 65,000 फॉलोअर हमारे यहाँ हो चुके हैं। ठीक है जी, अच्छा हो गया यार। ये जैसे ही आप गौरव जैन पे क्लिक करेंगे आपके सामने वो पेज डायरेक्ट खुल जाएगा जिसके अंदर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। ओके, ये पेज खुल गया देखो। ठीक है, इसमें आप फ्री सेशन में जाएंगे तो फ्री सेशन में सी ऑल करो, आपको सी ऑल करते ही सामने वो सेशन मिल जाएगा जो आपका है, यानी कि 1:30 बजे वाला सेशन, टॉप 20 केस स्टडीज बिजनेस बाय कॉमर्स किंग, इस पे क्लिक करो आपको डायरेक्टली वो मिल जाए। तो सारे स्टेप्स मैंने बता दिए हैं, टेस्ट का रिजल्ट भी मिलता है। ठीक है, तो आप लोग अगर एप्लीकेशन से टेस्ट देते हो तो 1:45 बजे के आसपास या 1 बजे के आसपास हम लोग रिजल्ट को रिलीज करते हैं, तो वो आपको एक मैसेज में आएगा, तो प्लीज मेक श्योर कि उस मैसेज को आप देख लें। आप जैसे ही वो मैसेज देखोगे आपके टेस्ट का रिजल्ट आपको दिख जाएगा, पूरा एनालिसिस होगा तो उसमें थोड़ा 15 मिनट लगता है, तो 12 से 12:45 का ये टाइम है, ना आगे ना पीछे ना ऊपर ना नीचे, यू हैव टू अटेंड इट, दैट्स ऑल। ठीक है, तो जितने भी बालक टाइम पर अटेंड करेंगे उनको ये टेस्ट मिल जाएगा। ये रहा टेस्ट, ज्वाइन एट 12 एग्जैक्टली। ठीक है, इसके बाद तुम्हारी आंसर राइटिंग पे बात करेंगे, तो पहले टेस्ट अटेंड करो उसके बाद आगे बात कर रहे होंगे। फोकस ऑन योर सेल्फ, फोकस कि आप बढ़िया नंबर लाओगे खुद की मेहनत से और टीचर के सपोर्ट से, ये ध्यान रखना। जो मैंने वर्ड बोला है उसको बहुत क्लीनली पकड़ना, समझदार बहुत बढ़िया तरीके से समझ के नंबर लाते हैं, कि आपकी मेहनत और टीचर का सपोर्ट होना चाहिए तब नंबर आप लोगों के आ रहे होंगे, समझ रहे हो। यानी टीचर की मेहनत और आपका सपोर्ट नहीं है, नंबर तेरे को लाने, कल पेपर तेरे को देना है, तो तेरी मेहनत होनी जरूरी है। तो राइटिंग स्किल्स पे काम करो, केस स्टडी सॉल्विंग पे काम करो, टॉपिक्स कवर हो गए हैं तो सेम चीज को रिपीट मत करो बार बार। ठीक है, फाइनल की आखिरी तैयारी करो, अब हथियारों को धार देने का समय है, हथियार सीखने का समय नहीं है, वो समय निकल चुका है, तो आप लोगों ने सीख लिए वो सब चीजें। ठीक है, चलो मिलते हैं लाइव टेस्ट के अंदर। मैं इसको पूरी प्रॉपरली निगरानी कर रहा हूँ कि भाई कौन कौन क्या क्या कर रहा है, एक एक बच्चे को प्राइमरीली देखेंगे, एंड विल लुक टुवर्ड्स इट कि भाई क्या होने वाला है और कितने नंबर किसके आने वाले हैं। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो के साथ, कोई दिक्कत को परेशानी हो जरूर बताएं। टिल देन बालको कीप ऑन वॉचिंग, बढ़िया नंबर लाओ, मिलते हैं आंसर राइटिंग के ऊपर, कीप ऑन वॉचिंग।